हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका नोनी भाई, स्वागत है भाई आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो भाई सामने आप देख रहे हो XL6। अब भाई नेक्सा का प्रोडक्ट है, यानी कि ये सीधा सीधा कहने का मतलब है प्रीमियम प्रोडक्ट है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। आगे भाई क्रोम इंसर्ट्स देखो कितने हैवीली कर रखे हैं, जो कि मतलब है ना, ऐसा भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा हैवी लग रहे हैं, गाड़ी के हिसाब से ठीक लग रहे हैं। और सामने आपको ना LED का पूरा सेटअप देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ये आपका भाई हो गया इंडिकेटर का, और ये हो गया आपका DRL का। तो हेडलैम्प की बात तो हो गई ऐसी, बाकी फॉग लैम्प आपको जो है ये भी LED में देखने को मिल जाता है। नीचे भाई आपको सिल्वर इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। और जैसा कि ये टॉप मॉडल है, तो यहाँ पर आपको फ्रंट में एक कैमरा मिल जाता है, और जो है 360 कैमरा पूरा गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है। तो एक बार बात करते हैं अभी साइड प्रोफाइल की। तो साइड से बात करें गाड़ी की, तो भाई 195/60 R16 के आपको जो है इसमें टायर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि भाई प्रॉपर अलॉय व्हील है डायमंड कट, जो कि देखने में भाई काफ़ी डिसेंट सी लुक दे रहे हैं आपको। और साथ में है ना, साइड में देखोगे एक क्रोम एलिमेंट यहाँ पर दे रखा है, और ये है ना भाई रगेडनेस फील कराने के लिए जो है इतना आपको ब्लैक पार्ट नीचे देखने को मिल जाता है, और सिल्वर स्ट्रिप्स भी आपको नीचे देखने को मिल जाती है। साथ ही में भाई ऑटो रिट्रैक्टेबल और एडजस्टेबल जो आपको ORVM देखने को मिल जाता है, साथ ही में टर्न इंडिकेटर ऑन ORVM देखने को मिल जाता है, साथ ही में नीचे ना आपको एक 360 डिग्री कैमरे का भी पार्ट देखने को मिल जाता है, और प्रॉपर क्रोम डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं आपको इसमें। और बात करें तो भाई इसी के ऊपर आपको है ना लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। देखो लॉक करा तो ऑटोमेटिकली जो है ये आपके मिरर्स फोल्ड हो गए, जो कि भाई आपने आप है ना जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो अनफोल्ड भी हो जाएंगे। बाकी रूफ रेल्स की बात करें तो सिल्वर और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में रूफ रेल्स आपको देखने को मिल जाती है। ग्लास की बात करो एक बार, ये है ना भाई साइड विंडो हो गई, और ये भाई पीछे वाली विंडो देखो, साइज देख रहे हो आप भाई, क्या गजब का साइज है। और पीछे वाले के लिए भी ना ऐसा नहीं छोटा क्वार्टर ग्लास है, थर्ड रो के लिए पूरा बड़ा क्वार्टर ग्लास इसमें जो है प्रोवाइड करा रखा है मारुति ने। और बात रही पीछे से, तो भाई पीछे से आपको ना ये बड़ा सा स्पॉइलर देखने को मिल जाता है, साथ ही में एक हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाता है रियर वाइपर और रियर डिफोगर के साथ। और ये क्रोम एलिमेंट है ना अलग से इंसर्ट कराया, जब से गाड़ी चेंज हुई है नया वाला वेरिएंट आया है, तो सबको पता है जो है गाड़ी में बेसिक चेंजेस हुए हैं। और एक बार है ना ये देखो, यहाँ इस तरीके से जो है इसकी ऑलवेज ऑन में लाइट जलती है बैक लाइट, साथ ही में ब्रेक मारोगे तो ये आपका जलेगा। और ये हो गया भाई आपका इंडिकेटर का, ये हो गया रिवर्स लैम्प, साथ ही में ये आपके रिफ्लेक्टर्स हो गए। बम्पर देखो भाई पीछे एक बार, 4 पॉइंट के रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, साथ ही में रगेडनेस फील कराने के लिए जो है यहाँ पर ब्लैक एलिमेंट और सिल्वर एलिमेंट भी आपको देखने को मिल जाता है। तो एक बार बूट ओपन कर लेते हैं इसका, तो बूट देखो भाई एक बार, ये है ना वैसे तो बूट स्पेस इसमें पीछे कुछ खास आता नहीं है, बाकी फिर भी है ना काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। और आप इसको है ना एक्सटेंड भी कर सकते हो अपने हिसाब से सीट आगे करके, या आप इसको बिल्कुल ही फोल्ड कर दोगे ना। अब देखो भाई, जो लोग कहते हैं ना 7 सीटर में बूट स्पेस नहीं मिलता, भाई आप 5 सीटर या फिर 6 सीटर गाड़ी लेते हो, 4 सीटर लेते हो, तो उसमें आपको कितना बूट स्पेस मिलता है वो इसको बीट कर सकता है क्या। पीछे वाले थर्ड रो के लिए भी देखो, यहाँ पे प्रॉपर जो है कप होल्डर्स दिए गए हैं, साथ ही में भाई यहाँ पर है ना ग्रैब हैंडल्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। बूट कर देते हैं बंद, एक बार गाड़ी के अंदर चल के देखते हैं अंदर से कैसी है गाड़ी। भाई अभी डोर खोल लेते हैं और चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो अंदर घुसने से पहले ना सबसे पहले डोर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भाई आपको प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक देखने को मिल जाता है, साथ ही में ना ये देखो भाई आपको है ना मतलब अलग ही जो है पेंटेड टेक्सचर देखने को मिल जाता है यहाँ पर, जो कि पूरा है ना कैरी फॉरवर्ड करा गया है वहाँ तक, जो काफ़ी बड़ी प्रीमियम लग रहा है देखने में। बाकी ऑल 4 पावर विंडो आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें, साथ ही में 1 टच डाउन और 1 टच अप जो है ड्राइवर के लिए देखने को मिल जाएगा। ये आपके ORVM के कंट्रोल्स हो गए, और ये आपका हो गया क्रोम डोर हैंडल। साथ ही में साइज़ देखो एक बार, 1 लीटर का बॉटल स्टोरेज आपको इसमें देखने को मिल जाता है, साथ ही में और भी आप कुछ अपने हिसाब से रख सकते हो उसमें। अंदर चलते हैं एक बार, तो अभी बाहर है ना भाई शोरगुल काफ़ी हो रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, जैसे ही डोर बंद करा सारा शोर गायब। NVH लेवल्स काफ़ी बढ़िया है इसके, और क्योंकि भाई प्रीमियम सेगमेंट है, आप देखोगे ना पीछे कैप्टन सीट इसमें आपको देखने को मिल रही है, अभी पीछे की भी बात करेंगे, लेकिन अभी पहले आगे की ख़त्म कर लेते हैं। तो भाई अंदर से कहानी कुछ ऐसी है,
सबसे पहले स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं। स्टीयरिंग पे आपको यहाँ पर जो है ऑडियो कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, ये टेलीफोनी के कंट्रोल्स हो गए, ये पैडल शिफ्टर्स हो गए। क्यों? क्योंकि भाई ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, सीवीटी ट्रांसमिशन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी भाई एक इसको देखते हैं एक बार, है ना, ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक आपका दोनों है स्टीयरिंग व्हील, जो कि भाई काफ़ी है ना बढ़िया सी फील देता है। और ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया ऐसा कुछ, जो कि भाई ये आपका एनर्जी फ्लो वगैरह दिखाता है इसमें, जैसे कि हाइब्रिड कार है, मतलब कि एक माइल्ड हाइब्रिड कार है। और सारे कंट्रोल्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, और भाई ट्रिप मीटर वगैरह भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। गाड़ी अभी 2452 किलोमीटर चल चुकी है, साथ ही में पार्क पे है, आपको गियर इंडिकेटर भी इसमें मिल जाता है। हॉर्न की बात करें, ड्यूल टोन हॉर्न इसमें आपको देखने को मिल जाता है, साथ ही में है ना आपको 7 इंच का एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले वाला म्यूजिक सिस्टम इसमें देखने को मिल जाता है। हजार्ड लाइट का बटन यहाँ आपको देखने को मिल जाता है, और प्रॉपर है ना ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल इसमें आपको देखने को मिल जाता है गाड़ी में। अल्फा मॉडल है गाड़ी का। और ये देखो भाई इस प्राइस सेगमेंट पे ना आपको इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स ऑफर की जा रही हैं, वो फ्रंट के दोनों बंदों के लिए आपको जो है इसमें वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिल जाती हैं। लेकिन भाई है ना वेंटिलेटेड सीट्स कहीं कहीं जो है ना आवाज़ बड़ी करती हैं, एक बार आवाज़ सुनो अब, मैं ना दोनों को पहले बंद कर देता हूँ, अब ध्यान से सुनना, मैं अचानक से ऑन करूँगा इसे। ये भाई हवा तो पूरी आती है इसमें से, पर जो है ना, लेकिन जो भाई ये जो फील आ रहा है मेरे को, पूरी कमर चिल्ड हो गई भाई, ये है ना मैं इस पे आवाज़ को थोड़ा बहुत सहन कर लूँगा। ये पेडल शिफ्टर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि भाई परफॉर्मेंस गाड़ियों में देखने को मिलते हैं आपको, और काफ़ी है ना ड्राइविंग फील को बढ़ा देते हैं। एक बार टेक्स्चर देखो, ये जो मैं बात कर रहा था टेक्स्चर देखो, मार्बल टेक्स्चर आपको इसमें देखने को मिल जाता है पूरा। एसी वेंट्स आपको 1, 2, 3 और 4 एसी वेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। रियर IRVM की बात करें तो भाई मैन्युअली एडजस्टेबल आपको डे नाइट रियर IRVM देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ सनग्लास होल्डर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर भाई आपको मिल जाएगा कैबिन लैंप। और बात करें भाई इसके एसी की, तो भाई नो डाउट काफ़ी अच्छा है एसी है इसका। और यहाँ पर आ गए ना आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट देखने को मिल जाता है, ये हो गए भाई आपका म्यूजिक सिस्टम के लिए USB का पोर्ट। और जब एसी ऑन करते हो ना भाई, तो आपका जो है यहाँ से एसी ऑन हो जाएगा, आप ये वेंटिलेटेड सीट्स तो ऑन कर ही सकते हो, साथ में भाई यहाँ पर भी जो है आपको हवा देता रहता है, जहाँ जो कि आप यहाँ पर कोई ड्रिंक वगैरह अपनी रखो तो वो कि चिल्ड रहे। अब वो भाई आपके ऊपर है, आप क्या रखना चाहते हो, क्या पीना चाहते हो। तो आगे से भाई इसमें है ना 360 कैमरा जैसा कि देखने को मिल जाता है, तो ऐसा 360 कैमरा इसमें जो है गाड़ी में देखने को मिल जाता है, जो कि आप एडजस्ट कर सकते हो इसे अपने हिसाब से, जो कि भाई काफ़ी है ना, जैसे आप स्टीयरिंग काटोगे उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। जैसे मैं रिवर्स गियर डालूंगा, ये जैसे कि मैंने डाल दिया रिवर्स गियर, तो स्टीयरिंग इधर काटूंगा तो इधर का दिखाएगा, इधर काटूंगा तो भाई इधर का दिखाएगा। तो काफ़ी स्मार्ट कार जो है मारुति ने इस बार बनाई है अपनी, XL6 नाम है गाड़ी का। यहाँ पर आपको भाई ऑटो स्टार्ट स्टॉप वगैरह के जो है बटन मिल जाता है, ये आपका 360 कैमरा का हो गया, और ये हो गया आपका ट्रैक्शन का, ये हेडलाइट का लेवल एडजस्टर, और ये आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को इसमें मिल जाता है। बाकी है ना गाड़ी में आपको जो है 1, 2, 3, 4, 5 ग्रैब हैंडल्स जो है देखने को मिल जाते हैं, सिर्फ ड्राइवर साइड नहीं देखने को मिलता। जैसे कि ये भाई एक 6-सीटर गाड़ी है, तो आगे से बात कर लेते हैं इसमें है ना आपको, यहाँ वाह बहुत बढ़िया भाई, मतलब है ना सन वाइज़र में आपको कोई कंजूसी नहीं करी, प्रॉपर लैंप के साथ दोनों साइड आपको सन वाइज़र देखने को मिल जाता है, पैसेंजर साइड भी और ड्राइवर साइड भी। तो आगे से भाई गाड़ी को कर देते हैं एक बार बंद, और है ना पीछे चल के देखते हैं कि पीछे से क्या कहानी है गाड़ी की। भाई एक बार है ना डोर का साइज़ देखो, मतलब अंदर घुसने के लिए भाई देखो कितना स्पेस देखने को मिल जाता है, प्रॉपर 90 डिग्री के आसपास जो है ना डोर इसका ओपन हो जाता है। और ये आ गया, मैं पीछे बैठ गया। अब भाई यार ऐसा कंफर्ट तो मैंने किसी गाड़ी में देखा ही नहीं पिछली सीट पे कभी, इतना है ना मेरे को लेग रूम देखने को मिल रहा है गाड़ी में। साथ ही में यहाँ पर मेरे पास एक स्पेशल यूनिट है एसी की, जो कि भाई प्रॉपर एसी है, इसके अंदर कूलिंग कॉइल है, ये कोई वेंट्स नहीं है सिर्फ। तो रियर वेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, बाकी थर्ड रो में आपको नहीं मिलेंगे, बाकी आप इसी को एडजस्ट कर सकते हो, 2 पीछे कर लो 2 आगे कर लो, जो कि भाई डिसेंट है, आप इसको स्पीड एडजस्ट भी कर सकते हो यहाँ से। और बात करें भाई सीट्स की, आर्मरेस्ट आपको इसमें देखने को मिल जाता है, और आगे पीछे सीट को कर सकता हूँ मैं, पूरा आगे करूँगा तो भाई मेरे को लेग रूम की कमी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं पूरा पीछे कर देता हूँ तो लेग रूम मेरे को कहीं भी कमी नहीं लगेगी देखने के लिए। और हेडरूम की बात करते हैं एक बार, तो हेडरूम देखो भाई,
क्या मस्त हैंडरूम देखने को मिल रहा है, और कैप्टन सीट्स है ना, तो मैं इसे अपने हिसाब से रिक्लाइन भी कर सकता हूँ, जो कि भाई इस लेवल का मतलब है ना, ये इनोवा से नीचे की गाड़ी में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलती थी कैप्टन सीट्स। लेकिन भाई एक्सएल सिक्स ने है ना वो मोनोपोली एक ख़त्म करने की कोशिश करी है मारुति ने, जो कि भाई इतने सस्ती गाड़ी में आपको जो है ना इसमें आपको कैप्टन सीट्स प्रोवाइड करा रही है और उस लेवल का कंफर्ट आपको देने की कोशिश कर रही है। हालांकि भाई वो सेगमेंट अलग हो गया तो उससे कंपेयर नहीं करेंगे, बाकी है ना सीट्स काफ़ी अच्छी हैं भाई, मज़ा आ रहा है बैठने में, ऐसा कुछ नहीं है कि गलत है। और यहाँ स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा छोटा सा, और ये आपको 12 वोल्ट का सॉकेट एक पीछे भी देखने को मिल जाएगा, ये आपका मैगजीन होल्डर हो गया, दोनों साइड मिल जाएगा आपको। तो एक बार है ना थर्ड रो में जाके देखते हैं थर्ड रो में कितना कुछ स्पेस जो है ऑफर करती है एक्सएल सिक्स मारुति की। तो भाई थर्ड रो में जाने के लिए मेरे को लेफ्ट साइड से जाना पड़ेगा इसमें, तो एक बार है ना सीट को पूरा आगे कर लेते हैं। ये हो गई भाई सीट आगे, और ये है ना रिक्लाइन कर लेते हैं इसे। ओह सीट तो अभी भाई मैंने लिटा रखी है, कोई नहीं इसको पीछे कर लेंगे, और है ना अब चलते हैं एक बार थर्ड रो में। थोड़ा भाई थर्ड रो में जाने के लिए ना स्ट्रगल करना पड़ता है, तो डोर को कर देते हैं बंद। तो भाई ये वाली सीट है ना मेरे हिसाब से एडजस्ट है, तो यहीं बैठ के देखते हैं। अब है ना यहाँ पर थर्ड रो में मेरे को भाई स्पेस तो कम मिल रहा है, पर भाई कुल मिला के बंदा मैनेज हो जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ती है 6 बंदे बिठाने की तो मेरे ऐसे पीछे 2 जने आ जाएंगे, मैनेज हो जाएगा कुल मिला के। और देख रहे हो भाई एक 12 वोल्ट का सॉकेट पीछे भी दिया जा रहा है पीछे वाले बंदों के लिए, दो मतलब हर किसी का ख्याल रखने की कोशिश कर रही है आज के टाइम में मारुति सुजुकी। और क्वार्टर ग्लास इतना बड़ा देखने को मिल जाता है। अभी एक बार बात कर लेते हैं इंजन की और पावर की, तो बोनट ओपन कर देते हैं खोलो। तो भाई इंजन आपका ये रहा, ऐसा इंजन आपको देखने को मिलता है मारुति की एक्सएल सिक्स में, जो कि भाई आपको पावर प्रोड्यूस कर देता है 102 BHP की 137 Nm टॉर्क के साथ, 1462 cc का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन है, जो कि भाई ठीक ठाक पावर आपको प्रोड्यूस कर देता है। 6 बंदे बिठाने के बाद आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि जो है आपको अंडर पावर गाड़ी देखने को लग रही है। और लुक देखो एक बार आगे से, अलग ही लुक आती है भाई, और पीछे से भी चलेगी ना, मैं पीछे से लुक दिखाता हूँ आपको एक बार गाड़ी की। और लेंथ गाड़ी की है ना प्रॉपर 4 मीटर से भी ऊपर है, वो मैं मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे कितनी है। बाकी पीछे से लुक देखो गाड़ी की एक बार, मतलब है ना काफ़ी बढ़िया सी क्यूट सी लग रही है। तो भाई ऐसी थी मारुति की एक्सएल सिक्स, गाड़ी कैसी लगी भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।